दोस्तों, मैं हूँ सपना और मैं हरीश और आप देख रहे हैं जीवन जर्नी व्लॉग्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये सब कर दिया हो तो चलो चलते हैं हमारी दुनिया में। हाँ बिल्कुल। यस यस, हेलो गाइस। सो हम गांव में हैं और हम आए हैं खेत में बाल तोड़ने के लिए। गेहूं के बाले दिखाता हूँ मैं आपको। कोई पकी पकी तोड़ ले कुछ सेकने के लिए। एक्चुअली बहुत बढ़िया लगती है सेकने में। कैमरा के अंदर बाल घुसा दो। कैमरे की तरफ मैं बाल घुसा दूंगी। यदि पीली पीली है ना वो तोड़ना। कैसी वाली तोड़ी तूने? वही ज़्यादा। ये हरी क्यों तोड़ दी नाला ये के साथ में? देख जो वाला पोर्शन जिसमें ज़्यादातर पीली हो रखी हो ना वो तोड़ ले। आधे खेत में पक गई है, उधर आगे नहीं पकी, उधर ग्रीन अभी, इधर पीले पीले हो गई हैं। ग्रीन नहीं है, हरी हुई है। हाँ तो ग्रीन हरी एक ही तो बात है। इंग्लिश का लेक्चर आ रहा है, इसको मतलब इंग्लिश जाड़ी है। ये देखो क्या बकवास कर रही है। क्या 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 पगडंडी। बस सही रास्ता बना हुआ है, कम से कम फसल तो नहीं टूटती। वो ध्यान से बस हरी वाली मत तोड़ देना यार। पिछली बार भी तूने इतनी तोड़ दी। चार पेड़ तोड़, छह तोड़ी, ये मेरी है, किसी को नहीं दूंगा बाहर। सो गाइस, एक्चुअल में वीकेंड पर, इस वीकेंड पर हम लोग गाँव आ गए। छोटा मोटा कुछ काम था वो भी करना है, परंतु बाकी काम तो ठीक है जो होते हैं, पर खेतों का अलग ही मजा है यार। एकदम ग्रीन ग्रीन मस्त लहराते हुए गेहूं के खेत, ये देखो। आरू, आरू, तो आरू। कौन बुला रहा तेरे को? कौन बुला रहा है? मम्मी तो नहीं बुला रही। अब मम्मा कुछ बोल रहे हो? ना बोल रहा हूँ, ना बोल रहा हूँ। मम्मी तो नहीं बोल रही, तो नाटक कर रही है फालतू का। अभी तो गेहूँ सब खेत पड़े हुए हैं लोगों के, अभी गेहूँ की फसल पकी नहीं है ना, तो अभी कटेगी, स्टार्ट होगी होली तक। होली के बाद में शायद कटना स्टार्ट हो जाएगी, होली तक ऐसे 10-12 दिन में तब तक पक जाएंगे। अभी तो कच्चे हैं। अगर जिम के गेहूं नहीं है ना, वो हमारे गेहूं कटवाने आ जाना, 150 रुपये मजदूरी है। बोल 150 रुपये मजदूरी में गेहूं? तेरे पता मजदूरी क्या हो रही है सर? 150 रुपये में तेरे ना कोई झांकने भी नहीं आया खेतों में। सच्ची में? और क्या भग लेगा। मैं क्यों भगू? मैं तो मेरे खेत में खड़ा हूँ। सपना की नॉलेज टेस्ट करते हैं। बताना गेहूं की फसल कितने दिनों में पकती है, कब बोई जाती है? बता एकदम चुपचाप खड़ी, बताने कब बोई जाती है। इसका आप ये मत समझो कि मैं टीचर हूँ तो मुझे सब कुछ आता है, हमको भी सब कुछ आता है। अच्छा ठीक है, वो बात ठीक है। ये मतलब कब बोई जाती है, किस महीने में जनरली? ये हाँ। अरे अदोगी पता है, जून जुलाई। भाई साहब ये 12 महीने की फसल है, तुम देखो जून जुलाई में बोई जाती है, सर्दियों में बोई नवंबर में बोई जाती है, जून जुलाई में डालो ठोक। तो कब काटते हैं इसको? काटेंगे कब? काटेंगे अप्रैल या मार्च, अप्रैल या जून में है? अप्रैल या मई में है? हम बे अप्रैल में, इस महीने में कट जाएगी, 15 दिन में ही नहीं कटेगी। और क्या, मार्च अप्रैल में काटेंगे? हाँ तो मार्च तो चल रहा है, अप्रैल में काटेंगे इसे। अप्रैल में नहीं कटेगी ये? मार्च से पूछ लेना, चाहे आधे मार्च के बाद ही कटना स्टार्ट हो जाएगी। तो देख लेना मम्मी से, मैं पूछ लेती हूं। मम्मा गेहूं की फसल कब कटेगी? कब कटेगी फसल? मार्च में कट जाएगी ना? नारा एक मार्च में कट जाएगी, देख ले। अभी तो मम्मी गेहूं कच्चा है तो अप्रैल तक पकेंगे। मम्मी ये तो जून में कटा रही है। कुछ भी बोलते हो। मम्मी जून में कटा रही तो ये देखो गाइस, गेहूं की फसल के बीच में एक ब्यूटीफुल सी ये बाल आ रही है, जो मुझे बताया गया कि गेहूं घास है। सीरियसली गेहूं घास है? पक्का? पता नहीं, आईडी ऐसे फेंक रही है, मतलब मेरे को बेवकूफ बना रही है, मेरे को पता नहीं था। कि पहले तो बोली गेहूं घास है। मम्मी से पूछता वही है, पूछूंगा मम्मी से, देखता हूँ जाके ये क्या है। मम्मी से बोलूंगा मम्मी आपके लिए फूल लाया हूँ। अच्छा, तू तो गेहूं लाया, इतने साथ गेहूं तोड़ लिए। कितनी बाले हो गई, कितनी दिखाना यार, वैसे तो काफी हो जाएंगी। 1, 2, 4 मेरे हिसाब से सफिशिएंट होंगे। 10, 12 30 बाले हो गए, 2-4 तोड़ ले फिर चलते हैं। अतनी सी मैं खा जाऊंगा, तो मैं तो अतनी सी तू ही खा जाएगा, तो ठीक है फिर तो और तोड़। चोटी आजकल हमारे खेत में बंदर बंदर मतलब बंदरिया ए बंदर ए बंदरिया आते हैं,
कई तो लहंगा लुगड़ी पहन के आ जाती हैं, शर्म नहीं आती बंदे। और लुगड़ी काफ़ी बार उनकी लाल कलर की भी होती है ना, और लहंगा थोड़ा ग्रीन ग्रीन का कलर का होता है। वैसी जैसी बंदरियाँ काफ़ी आती हैं आजकल, भगानी पड़ती है फिर बड़ी मुश्किल से, वो बाल नोच नोच के तोड़ रही होती हैं। ला ये हमने तोड़ लिए गेहूं की बालें, अब इनको हम सेकेंगे और खाएंगे, मज़ा बहुत आता है इसमें। तो ठीक है गाइस, हमने जितनी तोड़नी तोड़ ली हैं, अब वापस चलते हैं घर पे। ये मेरे को दे, मे फूल है, मम्मा से पूछूंगी जाके ये क्या है। देखता हूँ मम्मी क्या बताती है। इसने बताया ये गेहूं घास है। काका इका ये गेहूं मोगरा जे जैन न्याल है कछु नाम है आपको कठू न्याल वही बैल आ रही है हम तो मोटी मोटी हाँ मोटी मोटी बाल है काका बोल रहे न्यार है मतलब घास खरपतवार। मम्मा मम्मी ये काई है ये काई बोले आपको घास है जो कौन सी घास अरे माल काम नहीं करते हैं माल काम नहीं मम्मी तेरे भाव बोल रही है कि तो गेहूं घास है गेहूं घास तो हुए खेत में बाल बड़ी बड़ी सी देख रही है तो ये हुई तो है बाल तोड़ रहे हैं वही मैं देख लेंगे यहाँ तो कंफ्यूजन हो गया है भाई का। दो बंदरिया ऊपर झांक रही हैं, ये खुशी बंदरिया रही सपना बंदरिया बंदरिया भैया तुम दोनों लंगूर नहीं हो बंदरिया नहीं हो सॉरी मैंने गलत वर्ड बोल दी बंदरिया भी नहीं है तुम्हारा मुंह लाल लाल है ना तो तुम बंदरिया हो बंदरिया बनाया मैंने चाची तो अंदर तो दिख नहीं रही चाची देखो तो उधर होंगी टीवी के वहाँ पे पक्को चाची हाँ तो सुन ली आपकी सुन ली बहुत जोर की बहुत जोरदार सुनी। सो गाइस बाल तोड़ ताड़ के लिए आए घर में रख दिए हैं सामने रखे परंतु अभी इनको शाम को सेकेंगे तब तक टाइम पास करते और क्या शाम में यही करता मैं तो चाय बनाई जा रही भाई चाय। सो गाइस अब हम हमारी बाल को सेकेंगे। ये जो सामने बैठी है काजल जो बालों के वो जो बालों की गूथ की जो चोटी बनाते हैं ये वैसे इन बालों को गूथ रही है और फिर इन बालों को गूथ गूथ के ये चूल्हे में डालेगी फिर हम उनको सेक के खाएंगे है ना। चोटी बना रही है वैसे ही गूथ रही है ना। और भाई तुम क्यों हमारी बालों पर कमेंट कर रही हो उत्तर चिमटा भाई साहब लेडीज के पास बहुत सारे हथियार होते हैं कभी चिमटा कभी कढ़ाई कभी बेलन है चाकू भी होता है पर वो तो ज्यादा ही हो गया। ये देखो हमारी कजला ने ये जीजी ने सिखाया ना यार जीजी ने सिखाया है चोटी बनाना बालों की चोटी तो कौन से बाल वो वाले बाल की चोटी ये वाले बाल की चोटी। सो गाइज हमारी काजल ने देखो क्या सुंदर बाल गुथी है बिल्कुल एकदम परफेक्ट अब इसको सीधा हम आग में झोंक देंगे मतलब और बिल्कुल ढंग से सेकेंगे इसको बाल को और फिर खाएंगे बहुत मजा आता है गेहूं को एक्चुअल में सेकने के बाद खाने में। ये क्या कर रहे हो गिफ्ट गिफ्ट दे रही हो मेरे लिए ओ ये हमारे हाथ में आ गया है वर्ल्ड कप ये तुम क्या कर रहे हो देखो वर्ल्ड कप तुम्हारे पर झाड़ा देते हम लोग सेक बचाने कुन तो दे चूल्हा में अभी सेके आपको छोरी की मम्मी ने बुला लिया भाई साहब छोरी गई और दूसरी छोरी आ गई एक गई दूसरी आ गई तो खुशी अब बाल तू सेकेगी क्या छोरी वापस आएगी छोरी वापस आएगी कितनी देर में जब तक बाल खत्म अच्छा अच्छा और ये हो गया है काम स्टार्ट हमारा खुशी या मैंने गिर जाए झड़ रही सब बेटा हाँ अलौकिक है तुम्हारा ये चेहरे का नूर अलौकिक है तुम्हारे चेहरे का नूर मतलब अलौकिक है तुम्हारे चेहरे का नूर कभी हूर कभी सूर कैसी बिंगाड़ी है भाभी बताओ चिमटक मरना मेरी तरफ मत कर कैमरा ने फोड़ दूंगी इसको कैमरे को फोड़ दे तू ऐसा कर तू फोड़ दे इस कैमरे को नया कैमरा आएगा फिर ना भाई हम तो नहीं फोड़ देंगे ये बेलना को तुम दूर रखो अपने। सो हमारी बाल ऑलमोस्ट सीख गई हैं हंसी मजाक करते करते बाल कब सीख गई पता ही नहीं चला हमको है ना। ये देखो टैलेंट हमारी खुशी का खुशी ने खुशी खुशी बाल सीख दिए बिल्कुल अपने नाम को सार्थक किया खुशी खुशी काम किया बिल्कुल भाई साहब इसको छील के चल भागू तू लेर भाग जाएगी छील दे मैं सब पकड़ लेगा दोनों कैसे भाग जाएगी
पकड़ लेगा बीच में। हमको बाल खानी है। होली पे देख चल। होली पे देखो हम लोगों ने छील दिए थी। अभी बच्ची भी जैसे जैसे सीख जाएंगी तो झड़ जाती हैं एक्चुअली, ऐसे हिलाते हैं। जो गए जितने से निकला है बालों में से, कोई नहीं, खाने में बहुत टेस्ट लगती हैं। खा ले। हाँ दो गई। सो गाइज हमने बाल सीख ली, बाल खा ली, ख़त्म कर दी, और अब वीडियो भी ख़त्म, बाल ख़त्म, वीडियो ख़त्म। अब आपको मिलेंगे नए ब्लॉग में, है ना। तो आपको पता है क्या करना है, क्या करना है खुशी, इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करना है तो ये कर देना भाई, हमारी प्यारी सी खुशी बोल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।